कुर्बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि वो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का बानी तसव्वुर नहीं करते, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही फादर ऑफ नेशन है। अब देखना है कि आगे क्या होना है। हाँ। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। वापिस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा। सेलिब्रेशन जो है ना, वो आपने अफगानिस्तान में भी करी थी। ये पाकिस्तान साथ प्रॉब्लम है कि अभी बांग्लादेश में भी वही कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड करेंगे? जहां मुझे एक और माजराई भी नजर आ रही है, अगर इफ आई लुक एट द अलामिया दैट जस्ट केम, जनाब खुर्शीद कसूरी साहब। तो बांग्लादेश सिचुएशन इज ब्लीक और जिस तरह से वहां पे इस्लामिज्म हैज टेकन रूट। बांग्लादेश से एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या सारी इंडिया के साथ हो रही थी? अगर ये इंडिया के नहीं बने, हमारे क्या बनेंगे? तो यही तो बात है, वन सच ईटर इज ऑलवेज सच ईटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय एक न्यूज की चर्चा बड़े जोरों शोरों से की जा रही है और वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर पहली बार पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है। जो मनाने वाले लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, वो जमाती इस्लामी के लोग हैं। वो यह चाहते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने के जो फाउंडर रहे मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता हैं, उनकी जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर माना जाए। जिस पर पाकिस्तानी मीडिया से जो रिएक्शन आ रही है, ऑफकोर्स उसमें खुशियाँ मनाई गई है, जो कि आप पाकिस्तान के जो बड़े बड़े टी वी एंकर्स हैं उनकी बातचीत से ही अंदाज़ा लगता है। लेकिन कुछ एक दो लोग पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश भारत का नहीं हुआ, जिसने न सिर्फ बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मदद की बल्कि उसको इकोनॉमिकली ऊपर उठाने में हेल्प किया, तो वो बांग्लादेश पाकिस्तान का क्या हुआ? या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ बोला नमक हराम। हालांकि हम यह बात सभी बांग्लादेशियों को नहीं बोल सकते, लेकिन अवश्य उनके बारे में जो कि इसमें बांग्लादेश के अंदर खासतौर से जो मिनोरिटी हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि वो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का बानी तसव्वुर नहीं करते, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही फादर ऑफ नेशन है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम अपनी करेंसी के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाकर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर शाया करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो एक हिंदू राइटर ने लिखा है, हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं, बांग्लादेश से मशरिकी पाकिस्तान बनना चाहते हैं, यानी एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश आप मशरिकी पाकिस्तान बना लेते हैं, 50 साल हमारे साथ रहेंगे, 50 साल बाद वो फिर यही कह देंगे पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तान वैसे, अब हमने इंडिया की तरफ जाना है। अरे इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए? तमाम चीजें, खाने पीने की अशिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी इंडिया के साथ हो रही थी। अगर ये इंडिया के नहीं बने, हमारे क्या बनेंगे? तो यही तो बात है, इंडिया सब इख्तलाफात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान है। तो उन्होंने अब उसी कंट्री का चूज करना जिनके पहले इंडिया से इख्तलाफात हो। ठीक है, पाकिस्तान के साथ इंडिया के इख्तलाफात है, सबको पता है। अब इतनी चीजें अब वो पाकिस्तान से डिमांड करेंगे तो, और पाकिस्तान इसीलिए वो कह रहे हैं कि कायदे आजम को हमारा बानी बना दे या हम उनका एंथम हम चलाना चाह रहे हैं, तो इतनी देर से उन्हें याद नहीं आया क्यों? तब भी कह रहे थे, तब ये कह रहे थे हम कायदे आजम को मानते नहीं, कायदे आजम है कौन, कौन है बानी, हमारा तो बानी नहीं। अब कैसे ये चेंज आ सकते हैं? ये सोची समझी ना पॉलिटिक्स हो रही है। अब एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री की सपोर्ट लेनी है और वही वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इनका सपोर्ट कर देता कहीं ना कहीं, चले मान लिया कि एंथम लगा दिया, अपनी करेंसी इनको इशू कर दी, कल को ये मुकर के फिर क्या करेंगे? तो ये सारा मसला है, लेकिन वन सच ईटर इज ऑलवेज सच ईटर। अब देखना है कि आगे क्या होना है। हाँ। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। वापिस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा। बांग्लादेश ने तो अभी एक दो दिन पहले जो है वो मिस्टर जिन्ना की जो डेथ एनिवर्सरी थी वो सेलिब्रेट की और उन्होंने कहा है, मतलब उसको मनाया और उन्होंने कहा कि जी हम उनके बड़े थैंकफुल हैं उनकी वजह से हमें बांग्लादेश मिला है। चले ठीक है, अब जमाते इस्लामी वाले जो है, जमाते इस्लामी वाले चाहे कश्मीर में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जमाते इस्लामी वाले तो एस्टेब्लिशमेंट के ही है आपके, चाहे जहां भी है। ठीक है, तो जमाते इस्लामी का पावर में है अभी बांग्लादेश में, अभी नई नई पावर मिली है। सेलिब्रेशन जो है ना,
वो आपने अफगानिस्तान में भी करी थी कि आपके तो एक सेनेटर थी वो खड़े होकर पार्लियामेंट में कह रही हैं कि हमको जो है ये अफगान जो है अब तालिबान या वो कश्मीर लेके देंगे, मिल गया कश्मीर आपको, अब उन तालिबान के खिलाफ आपको ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो ठीक है, अभी नई नई आई चीज, आप पाकिस्तान के साथ दिक्कत यही है कि प्री मेच्योर सेलिब्रेशन बहुत करते हैं, ये पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि अभी बांग्लादेश में भी वही कर रहे हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है वो चारों तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ है, और बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो ऐसा है कि, और जमात इस्लामी कुछ नहीं है, जमात इस्लामी जैसे अभी आपके यहाँ पे नहीं बलोचिस्तान में कह दिया था आपके वजीर हुसैन नकवी ने, नहीं वहाँ बलोचिस्तान में क्वेटा में खड़े होकर कह दिया था कि एक SHO की मार है ये सारे BLA वाले, जिस BLA को पूरी पाकिस्तान की फौज पिछले 70 साल में कुछ नहीं कर पाई उनको बता दिया कि ये SHO की मार है ये सारे, ठीक है। तो ये जो जमात इस्लामी है ना बांग्लादेश में, वो इंडिया की कहते ना कि एक SHO नहीं होगा लेकिन एक पुलिस स्टेशन की मार है ये सारे के सारे, एक ढंग का IPS ऑफिसर जहां जिस दिन वहां पोस्ट हो गया उसको ये काम दे दिया गया कि इनको ठीक कर दो तो वो ठीक कर देगा उनको, वो मुल्क हमने बनाया है, ठीक है। वहां पे कौन क्या है, किसके पास कितना वक्त है, किसके पास कितना वेट है, वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता।